ये जो आप सामने ब्लॉक देख रहे हो ना, इसके मिलने के चांसेस है सिर्फ और सिर्फ 0.05%। और ये एक ऐसा मॉब है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ माइनक्राफ्ट की ऐसी ही चीजें दिखाऊंगा जो कि काफी ज्यादा ही रेयर होती है, इनको आज तक किसी ने नहीं देखा है। और सर्वाइवल मोड में ऐसी चीजें ऑब्टेन करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले स्केलेटन से। नहीं, स्केलेटन बिल्कुल भी रेयर नहीं होते माइनक्राफ्ट के अंदर, ये तो हर जगह दिख ही जाते हैं। लेकिन मैं बात करूं एक स्पेशल टाइप के स्केलेटन के बारे में जो कि काफी ज्यादा रेयर है। ये देखो, ये सारे यहाँ पे नॉर्मल स्केलेटन है जिन्होंने अपनी बो राइट हैंड में पकड़ी हुई है। लेकिन जरा इस वाले स्केलेटन को देखो, इसने अपनी बो लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है। जैसे हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में 11% लोग लेफ्ट हैंड ही होते हैं, मतलब वो लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं, वैसे ही माइनक्राफ्ट के अंदर 11% लेफ्टी वाले स्केलेटन होते हैं जो कि थोड़े से रेयर होते हैं और वो अपनी बो लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं। ये देखो, दिखने में दोनों अलग अलग लग रहे ना, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, डैमेज तो ये दोनों एक जैसे देने वाले हैं। ए भागो यहाँ से यार, ये कितना ज्यादा गंदा डैमेज देते हैं। और ये देखो, भागते भागते मैं आपको इस जंगल के अंदर लेके आ चुका हूँ। और यहाँ पे हमें एक ऐसा मॉब मिलेगा जिसके सिर्फ 2% चांस है स्पॉन होने के। जी हाँ, मैं इस पांडा की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं नॉर्मल वाले पांडा की नहीं, ये ब्लैक वाले क्यूट क्यूट पांडा तो यार हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस ब्राउन वाले पांडा की। अगर आप यहाँ पे 100 पांडा स्पॉन करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, 99, 100, तो ये देखो इसमें से सिर्फ दो ऐसे पांडा है जो कि ब्राउन कलर वाले हैं। वैसे तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे ये ब्लैक है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको ब्राउन कर दिया गया है। और ये आपने जरूर सोचा होगा कि नेदरराइट का आर्मर काफी ज्यादा रेयर होता है, उसको बनाने के लिए एंशिएंट डिब्रीज की माइनिंग जो करनी पड़ती है। लेकिन सच बताऊं तो ये आप जो कैप देख रहे हो, ये पूरे के पूरे नेदरराइट आर्मर से ज्यादा रेयर है। दिखने में आपको ये दूर से यार सिंपल सी कैप लग रही होगी, लेकिन इस पे लगी हुई है एफिशिएंसी 1 जो कि आप सर्वाइवल में नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। ये वाले लेदर कैप आपको सिर्फ और सिर्फ वुडलैंड मेंशन के अंदर मिलेगी, ऐसी चेस्ट के अंदर। और इसके यहाँ पे होने के चांसेस इतनू से, बिल्कुल इतनू से, मतलब ना के बराबर चांस है आपको इसके मिलने के। वैसे तो ये घटिया से दिखने वाली स्पाइडर्स तो आपको हर जगह दिख जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर रात होती है, इन स्पाइडर्स के ऊपर अलग अलग पोशन इफेक्ट लग जाते हैं। और कुछ कुछ स्पाइडर्स बिल्कुल रात में गायब हो जाती है, उनपे इनविजिबिलिटी लग जाती है जो की यार दिखने में काफी ज्यादा डरावनी सी होती है। ये आपके पीछे पड़ जाए तो बिल्कुल आपको भाग लेना चाहिए। और सर्वाइवल के अंदर आपको ऐसी एक स्पाइडर दिखने के सिर्फ 1.5% चांस है, मतलब ये हद से ज्यादा ही रेयर होती है सच बताऊं तो। और ये तो अच्छी बात है, इसकी आंखें थोड़ी बहुत आपको दिख जाती है, नहीं तो पूरी ये गायब होती है ना, आपको पता ही नहीं चलता भाई कौन घुसंड मार रहा है। माइनक्राफ्ट की ये गोड्स काफी ज्यादा अजीब सी होती है। वैसे तो इनको ढूंढना काफी ज्यादा सिंपल होता है, पहाड़ के ऊपर चले जाओ काफी सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वाली स्पेसिफिक गोड को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके स्पॉन होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा कम, सिर्फ 2% है। इतनी सारी अगर आप गोड स्पॉन करोगे तो आपको एक दो ऐसी वाली गोड मिलेगी। और जी हाँ, ये वही वाली गोड है जो की काफी ज्यादा हल्ला वल्ला करती है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्मल गोड से बिल्कुल सिमिलर सी दिखती है, बस इसके ऊपर ऐसे दो सींग नहीं बने हुए हैं। ऐसे अगर आपको कोई गोड मिल जाए भाई, उसको संभाल के रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन इस वाली गोड से भी एक और रेयर चीज है, ये गोट हॉर्न। लेकिन नहीं, मैं इन नॉर्मल वाले गोट हॉर्न की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो यार भरे पड़े रहते हैं यार हर जगह। मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक हॉर्न के बारे में जो की आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीमिंग वाली गोड से मिलेगी जो की ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेयर है, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मतलब ये वाला गोट हॉर्न मिलना तो यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लगभग 0.5%। और ये अगर आपको कहीं मिल जाता तो भाई बजाना मत, इसको कहीं सजा के रख लेना। और इस गोट हॉर्न जैसे माइनक्राफ्ट के अंदर अलग अलग टाइप के यूनिक आइटम्स होते हैं, लेकिन आपने इस वाले ब्लॉक के बारे में शायद ही सुना होगा। तो ये है लाइट ब्लॉक, और इससे हम किसी भी अंधेरी वाली जगह पर रोशनी कर सकते हैं बिना किसी टॉर्च के। और वैसे तो ये वाला आइटम सिर्फ आपको क्रिएटिव में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपको ऐसा डुप्लीकेट फार्म बनाना आता है तो यहाँ से ये लाइट वाला आइटम आप जरूर निकाल सकते हो। लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर होता है, 0.5% चांस है सिर्फ इसका, मतलब इसको सर्वाइवल में पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे बड़े एक आसान काम बताता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मजा आ जाएगा। वैसे भी यार हमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर करना है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, तब तक मैं आपको स्नो वाली बायो में लेके जाता हूँ। और यहाँ स्नो वाली बायो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा रेयर मॉब। तो देखो, नॉर्मल वाली जो फॉक्स होती है उसका चांसेस होता है 20% स्पॉन होने का, लेकिन वहीं अगर हम स्नो वाले बायो में चले जाते हैं तो 5% चांस होता है ऐसे आर्टिक फॉक्स स्पॉन होने का। लेकिन वहीं पे अगर बेबी आर्टिक फॉक्स हो तो वो 20 गुना ज्यादा रेयर होती है। दिखने में तो ये काफी ज्यादा क्यूट होती है, इसी के साथ ये इतनी ज्यादा रेयर होती है कि कुछ ही माइनक्राफ्ट प्लेयर आज तक इसको देख पाए हैं। और सच बताऊं तो मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा है। और अभी तक जितनी भी मैंने आपको चीजें दिखाई है वो तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ऐसी रेयर चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी। जैसे ये है बैरियर ब्लॉक, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो कि ब्लॉक है ही नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये इनविजिबल टाइप का ब्लॉक है। और इतना ज्यादा रेयर होता है कि आप इसको सर्वाइवल में ले ही नहीं सकते हो, मतलब ले सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा कम चांसेस है। आपको पता ही होगा वुडलैंड मेंशन के अंदर एक ऐसा रूम होता है लावा वाला, जहाँ पे लावा के बीच में अलग अलग टाइप के ऐसे
ब्लॉक्स मिलते हैं और यहीं पे आपको ये बैरियर ब्लॉक मिलता है और इसको आप माइन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। आपको एक बार रेगिस्तान के अंदर सुई मिल जाएगी, लेकिन ये वाला ब्लॉक उससे भी ज्यादा रेयर है। लेकिन ये स्वॉर्ड और पिकैक्स बैरियर ब्लॉक से भी ज्यादा रेयर है। जी हाँ, दिखने में आपको सिंपल से टूल लग रहे ना, लेकिन ये बनाए गए माइनक्राफ्ट के इलीगल सर्वर्स के ऊपर। जैसे इस स्वॉर्ड को देखो, इस पे लगी एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंचेंटमेंट। किसी भी मॉब को अगर इस स्वॉर्ड से हिट करोगे ना, तो वो हजारों ब्लॉक दूर पहुंच जाएगा। और इस पिकैक्स पे लगी हुई है फॉर्चून 1000। एक डायमंड का ब्लॉक माइन करोगे ना, तो आपको 1000 डायमंड मिल जाएंगे। और इसीलिए ये वाले टूल्स काफी ज्यादा रेयर है और इनको आप सर्वाइवल में बना ही नहीं सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ कमांड से ही बनते हैं, वो भी इलीगल सर्वर्स के ऊपर। और वैसे तो अगर हम नेदर के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी रेयर चीज होती है। लेकिन सर इस स्ट्राइडर को देखो, नहीं ये ज्यादा रेयर नहीं है। कैसे रहेगा एक स्ट्राइडर दूसरे स्ट्राइडर पे बैठा हो, ये भी कुछ ज्यादा रेयर नहीं है। लेकिन सर इसको देखो, एक के ऊपर दूसरा है, मतलब ऐसे 5 स्ट्राइडर चढ़े हुए एक दूसरे के ऊपर, और ये एकदम नॉर्मल है। आपको ऐसे नॉर्मल वर्ल्ड में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। इसके चांसेस है 0.001%, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। और सबसे तगड़ी चीज, इसको आप ऐसे बैठ के राइड भी कर सकते हो, ऊपर से सब कुछ दिखेगा आपको। हमारे पास माइनक्राफ्ट के अंदर 3 टाइप के एनविल्स होते हैं। सबसे पहला ये ब्रांड न्यू वाला, दूसरा ये थोड़ा सा यूज करा हुआ, और तीसरा एकदम ब्रोकन वाला एनविल। लेकिन आपने ये व्हाइट कलर वाला एनविल कभी नहीं देखा होगा। सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो देखो, जब भी माइनक्राफ्ट में हम एनविल को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, और जैसे ही वो टूटने वाला होता है, तो एकदम व्हाइट कलर में चेंज होकर टूट जाता है। और जी हाँ, ये वही वाला व्हाइट कलर वाला एनविल है। दिखने में तो खैर ये सिंपल सा ही है, ना इसे आप कुछ बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। अगर आपको ये अपने वर्ल्ड में कहीं दिख जाए, तो समझ लेना सबसे रेयर चीज मिल गई आपको। एंड ये है एक बेबी ज़ॉम्बी और ये है एक ऑसिलॉट, और ये अगर दोनों मिल जाते तो आपको सामने दिखेगा माइनक्राफ्ट का बहुत ही ज्यादा एक रेयर मॉब। ऑसिलॉट्स माइनक्राफ्ट में वैसे ही बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, सिर्फ जंगल में देखने के लिए मिलते हैं। और बेबी ज़ॉम्बी भी नॉर्मल ज़ॉम्बी से 20 गुना ज्यादा रेयर होते हैं। और ऐसा आपको जॉकी मॉब इस जंगल वाली बायो में देखने के लिए मिल सकता है, और इसके यहाँ पे स्पॉन होने के चांसेस है 0.005%। देख लिया ना कितना ज्यादा रेयर है। लेकिन अगर आपको ये मिल जाए, तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि एक बार आपकी ये पीछे बढ़ गया ना, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, और ये डैमेज तो गंदा देता है ये ज़ॉम्बी। अभी तक जितने हमने आइटम ब्लॉक्स और मॉब्स देखे, वो रेयर तो थे, लेकिन इतने भी नहीं। अभी मैं आपको असली रेयर चीजें दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये है सोल फायर ब्लॉक, और ये बहुत ज्यादा रेयर है। तो ये तो आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में हम किसी भी फायर को ऐसे माइन नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो माइनक्राफ्ट आपने खेला ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एंड पोर्टल वाले ग्लिच के बारे में, जहाँ से माइनक्राफ्ट का कोई भी ब्लॉक निकल सकता है, और इसी पोर्टल के अंदर से आपको सोल फायर ब्लॉक भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, इसके चांसेस है सिर्फ 0.14%। और एक बार आपको ये मिल जाता है, तो आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, और इसका ज्यादा कुछ यूज तो मेरे को पता नहीं है। और वीडियो में मैंने पहले बताया था ना कि ब्राउन पांडा काफी ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन ये जो सामने दिख रहा है, ये पांडा उससे भी ज्यादा रेयर है। तो ये भी ब्राउन पांडा ही, लेकिन इसके ऊपर देखो, यहाँ पे छोटू बेबी हस्क बैठा हुआ है, और बेबी हस्क ऑलरेडी काफी ज्यादा रेयर होता है माइनक्राफ्ट के अंदर। और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट रेयर मॉब बन जाता है माइनक्राफ्ट का। सिर्फ 0.14% चांसेस इसके स्पॉन होने के, और ये स्पॉन भी सिर्फ डेजर्ट वाली बायो में होता है। लेकिन हाँ, इनको आप इजीली मार सकते हो, क्योंकि पांडा यार बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलता है, हस्क को आप ऊपर से ही टपका सकते हो। और माइनक्राफ्ट के जब भी हम ऐसे ओशन में जाते हैं, तो बहुत नीचे जाने पे आपको ऐसे बबल्स दिखते होंगे, जो कि ऐसे ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं। एंड अगर आप किसी तरीके से इस बबल ब्लॉक को ले लो, तो ये माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लॉक होगा। अब पिकैक्स से तो देखो, आप इसको माइन कर नहीं सकते हो, आपको ऐसी रेडस्टोन मशीन यूज करनी पड़ेगी, जिसमें जैसे कोई दूसरा ब्लॉक माइन कर रहे हो, बबल से रिप्लेस हो जाए और इन्वेंटरी में आपके बबल कॉलम आइटम आ जाए। और ये वाला आइटम आपको पूरे इस वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखेगा, तो समझ लो आपके पास कितनी रेयर चीज आ गई है। और अभी तक जितने भी आपने ये रेयर ब्लॉक्स देखे ना, वो इस ब्लॉक के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये है माइनक्राफ्ट का कमांड ब्लॉक। ये ब्लॉक इतना ज्यादा रेयर है कि सर्वाइवल में आप इसको पा ही नहीं सकते हो। लेकिन सिर्फ एक मुश्किल तरीका है इसको ऑब्टेन करने का। ये तो आपको पता होगा कि कुछ एंडरमैन यहाँ पे हाथ में ब्लॉक लेके स्पॉन होते हैं, और उनको अगर हम मारते हैं, तो ये ब्लॉक हमें मिल जाते हैं। तो कुछ पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन में इस चीज का बहुत ज्यादा कम चांस है, लेकिन एक एंडरमैन स्पॉन हो सकता है एक कमांड ब्लॉक के साथ। एंड अगर आप उसको जाके मार दोगे, तो इस गेम का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लॉक आपको मिल जाएगा। और ये तो आपको पता ही है कमांड ब्लॉक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे आप माइनक्राफ्ट में कुछ भी कर सकते हो। और ये रेयर ब्लॉक अगर आपको सर्वाइवल में मिल जाता है, तो समझ लेना आप इकलौते प्लेयर हो जिसके पास ऐसा रेयर ब्लॉक है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ गाइस, क्योंकि इस कमांड ब्लॉक से भी 1000 गुना ज्यादा रेयर है ये माइनक्राफ्ट का मॉब। ये एक ऐसा मॉब है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। इस मॉब को दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पे अलग सा एक वर्ल्ड डाउनलोड करना पड़ा। एंड यस, ये है आपके सामने माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब। जी हाँ, एक चिकन के ऊपर ज़ॉम्बी विलेजर बैठा है, जो कि पाया जाता है सिर्फ रेयर अबेंडेंट विलेज में, जिसने पूरा फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर पहना है, सिर पे इसने पंपकिन पहना है ऐसा, और हाथ में इसके एक बहुत ज्यादा तगड़ी इंचेंटेड स्वॉर्ड है। और इतनी सारी चीजें मिला के ये बनता है माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट
लार्जेस्ट मॉब और इसके स्पॉन होने के चांसेस है 1 in a trillion। भाई साहब बहुत ज्यादा ही रेयर मॉब है ये। और इसी रेयर मॉब के साथ गाइज मैं ये वाली वीडियो को यही एंड करता हूँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, हमारे नए चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करना, वहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट वीडियो पे।